ईश्वर रहकर अपने इस ध्वज को विश्व में सबसे ऊपर फहराया जाए, जिसकी कल्पना हमारे गीतों में थी। वो राष्ट्रीय गीत के श्यामलाल गुप्त कार्तिक ने लिखी हुई झंडा ऊंचा रहे हमारा, के जन जन मन हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हो। वंदे मातरम का जय घोष करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस गीत को लिखा हो, जिसमें दीपा जागृत देश को भारत मा के रूप में देखा और चाहे अनेक लोगों ने इस देश को या फिर साहित्य की रचना की हो, रामधारी सिंह दिनकर हों, लक्ष्मी चंद्र गुप्त हों, ऐसे अनेकों लोगों ने कल्पना की थी देश आजाद होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब लिखा था कि फूल मेरा फूल की अभिलाषा काफी कि मैं उन चरणों में चढ़ूँ जो भारत मा के लाल थे, उन कल्पनाओं के आधार पर यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को भारत मा की दो राजनी अलग कर दी गई, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान है। इस सब षड्यंत्रों के बावजूद त्रासदी के अंदर लगभग 75-80 लाख लोग गुजरकर इस साइड पर आए, 25-30 लाख लोग मौत के घाट उतारे गए, इतने बड़े संख्या में लोगों को दिए रिलोकेशन करना, पुनर्वास करना, फिर से भारत में एकता स्थापित करके आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे देश के जन धर्मों ने जिसको बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले 15-16 साल इस देश को नेतृत्व दिया, उनकी अपनी खूबियाँ थी, हर चूंकि के साथ कोई जो कमजोरी होती है चूक हो जाती है। चीन के मामले में विशेष तौर पर उनको दल फेमी थी, वो मानते थे कि जितने हम खुद को मानते हैं तो चीन को मानते हैं तो कौन भी मानता होगा। चीन ने जो उसने बड़ा धोखा दिया, नेहरू जी सब में से उभर नहीं पाए और वो 1964 में हमें छोड़कर चले। गलती का एहसास हुआ कि 1963 के गणतंत्र दिवस पर उन हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में सम्मिलित किया नेहरू जी ने, जिनको वो सारी उम्र पूछते रहे, परंतु उनको लगा कि मैं गलत था। इन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए उस समय देश का साथ दिया जा रहा था। नेहरू जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़े सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो राह चली कुछ अब गांधी जी के सपनों से हुई। गांधी जी ग्राम स्वराज, गांधी जी किसान, कुटीर उद्योग और अपने ऊपर निर्भर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते थे। नेहरू जी ने एक दिव्या स्वप्न देखते हुए सोवियत मॉडल को और विदेशी मॉडल को लेकर तरक्की करना चाहते थे। तरक्की हुई भी तो जितनी होनी चाहिए थी जितना पोटेंशियल था शायद नहीं है। आज 8 साल में लोगों ने देखा कि पोटेंशियल कितना है इसमें। अभी एसपी के बाद भी हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बता रहे थे कि एक ट्रिलियन की इकॉनमी कितने दिन में बनी, दूसरा ट्रिलियन कितने दिन में पूरा हुआ, तीसरा ट्रिलियन अब होने के आसपास है और इसके बाद 7 साल में 4 ट्रिलियन भी हो जाएगा 5 साल के बाद। इतनी तेजी से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, आज हम अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन के पीछे हैं आर्थिक क्षेत्र में। सेनाओं के मामले में आज हम लगभग दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। वैज्ञानिक प्रगति में आज हम किसी देश से भी सक्षम हैं। हमारा भी झंडा मंगल ग्रह पर पहुंचने के उस पर पहुंचा हुआ है, चांद पर भारत पहुंच चुका है। हमारे राकेश शर्मा पहले दूसरे के जहाज में बैठ के गए थे, आज अपने में बैठे। इसरो हमारा जो काम कर रहा है, हमारे एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन काम कर रहा है, वो सबके सामने हमारी पहली बार लाल किले पर अपनी बनाई हुई प्रोट में आज इस तिरंगे को सजाने की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज हम 75 वर्ष पूरा करने पर
हमने अपनी तरफ से रास्ते तय किए। आज हमारा देश मेट्रो के लिए कोच बना रहा है, इंटीरियर कोच फैक्ट्री ने जो वंदे भारत ट्रेन बनाई है, जो इस साल चल रहे हैं, ये सब प्रगति को बता रहे हैं। भारत के रोड आ रहे हैं, इसी लिए अमेरिका यूरोप के समकक्ष है और उनकी बनाने की गति भी हमारी बहुत तेज है। बड़े बड़े सब काम हो रहे हैं, छोटे छोटे सबसे छोटा काम सफाई। तो गांधी जी का मूल सपना था कि इस देश के अंदर स्वच्छता हो, उसको पूरा करने के लिए फिर एक गुजराती ने कोशिश की। पहली बार लाल किले से स्वच्छता के लिए बात की गई 2014 में। हमें भी लगता है कितना मुश्किल काम है, 10 करोड़ शौचालय कैसे बनेंगे, इस देश को आदत हमें आ जाती है, हमें कागज के बाहर फेंक देते हैं, परंतु हुआ। आज साल में सबने देखा है स्वच्छ भारत का निर्माण हुआ है। जितनी स्वच्छता बढ़ेगी उतनी बीमारी घटेगा। इन्वर्सरी प्रपोर्शन चीज़ें हुआ करती हैं, जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक होगा, जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होगी, वैसे वैसे हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य की सेवाएँ सबको मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 5G की अगले महीने तक हम विश्व में शायद अगले एक दो देशों में जो 5G की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो सारे डीटा पैक वगैरह जो आप लोग नई करके बने सुलभ होंगी। तो सारी तेजी सबके प्रयास से 120 करोड़ लोग मेहनत करेंगे तो सब हो सकता है। और उसमें भी हमारी मातृशक्ति है, हमारी बेटियाँ इनके अंदर जो दमकम था, अभी आपने NCC में भी देखा, हमारे दोनों भी पुरस्कार जी और महिलाओं हमारी जो प्रोफेसर हैं वो कितने आपको डिजिटल ऑफिसर लगती है कर्नाटक से लेकर। इस कॉलेज के अंदर पूरा भारत है, कश्मीर से इनके भट्टाचार्य से लेके नायर हैं हमारी जो मेन्स में वो केरल की हैं, हर प्रांत का प्रतिनिधित्व हमारे हैं, मराठी भी है, गुजराती भी है और हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के बताया बंगाल के इस बार 9 करोड़ के लिए 2 हमारी महिलाएँ प्रोफेसर हैं, 2 बंगाल के हैं। हम सबको बराबर मानते हैं, हर जाति को बराबर मानते हैं, दिव्यांग को भी अवसर मिलेंगे। सरकार ने चाहा कि प्रशासन ने प्रत्येक प्रोफेसर को जो दिव्यांग था उसको भी रखने में कोई हिचक नहीं है, सबको समान वेतन मिले, महिला पुरुष को सबको सब सुविधाएँ मिले, हमारे लिए सब बराबर। जो महाराजा अग्रसेन जी 5,100 साल पहले जो कुछ चलू लेडीसी देते जो हमारे लिए मार्गदर्शन देते गए हैं, उसके ऊपर आज भी हम अपने सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं उसमें चलें, जिसमें समता और ममता बराबरी भी हो, नमस्व भी हो, आपकी भाईचारा भी हो, ये संदेश 5,000 वर्ष में दिया था। उसके ऊपर हम सब लोग महाराजा अग्रसेन के नाम पर चलने वाली सभी संस्था देश के अंदर सभी स्थानों पर अग्रवा से शुरू होकर सभी देश विदेश के अंदर आज अग्रवा समाज के लोग मिलिट्री के अंदर भी अपना माइक दे रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता विवेक गुप्ता का नाम का कार्यक्रम को सबने सुना होगा, दिल्ली पुलिस के अंदर हो, सेंट्रल पुलिस के अंदर हो, किसी लेवल पर बड़े से बड़े न्यायाधीश हैं, बड़े से बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, जो APJ कलाम के साथ जिन्होंने इस देश के लिए सारे जो हथियार बनाए थे उसमें RN अग्रवाल, उनके बराबर के सहयोगी। हम जातियों पर नहीं चलते, महाराजा अग्रसेन कोई जातिवादी महाराजा नहीं, महाराजा वो होता है जिसके राज में सभी लोग और उनके आदर्शों पर चलना, मतलब शांति की बात करते हुए भी सक्षम होना। गांधी जी वाली शांति में भी एक तरफ थप्पड़ मारे दूसरा कर दे, उससे थोड़ा सा हम मतभेद रखते हैं, एक थप्पड़ मारने की जरूरत ना हो किसी, इतना हमें शक्तिशाली होना है। इतना ही अंतर है गांधी जी में या मोदी जी में या नंद किशोर गर्ग में किसी अन्य नेता में, कि हम मजबूत होकर इस भारत माँ को मजबूती से आगे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में बढ़ाएं, कोई क्षेत्र छोटा नहीं। इसीलिए आज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में 10,000 विद्यार्थी इस साल के एडमिशन के बाद हमारे 10,000 विद्यार्थी हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है।
हमने जब 22-23 साल पहले शुरू किया था, कल्पना नहीं की थी कि 10,000 विद्यार्थी महाराजा दर्शन यूनिवर्सिटी, महाराजा दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में हो जाए। इस साल के एडमिशनल मेरा क्रॉसिंग है 10 लाख, और हम भी अपने रजत जयंती वर्ष को 25वें साल की ओर बढ़ेंगे, उसको बहुत भव्य रूप से मनाएंगे। उसके लिए दिल्ली जी ने एडमिशन कमेटी बनवाती है, एक बहुत अच्छी स्मारिका निकालेंगे, उसमें जाने के बाद स्मारिका का संयोजन करेंगे, और उसके माध्यम से एक बहुत अच्छा लिटरेचर तैयार हो जिसमें सब आप सबका सहयोग। 1998 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, हमारे लिए जो एक्टिविटीज हैं, ये सभी मिलकर जो पुराने लोगों उनका दायित्व ज़्यादा है, जो 98 हमारे साथ है, उनको सारा कुछ याद है, सारी चीज़ों को एकत्रित करेगी और एक भव्य स्मारक जिसके माध्यम से ज्ञान जी बता रहे थे 1 करोड़ रुपये बचा कर हमें एकत्रित करके देंगे। इसी से वो आगे काम चलेंगे, अभी निर्माण चल रहा है, आपको देखिए छठी मंदिर का लेते जाए, अभी 4 और बनेंगे, 1 लाख फुट जगह का निर्माण हो जाए, 1 लाख फुट के लिए अगर दिल्ली सरकार के माध्यम से चलें तो 30 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए, परंतु हम इस काम को 20-22 करोड़ में चुका पाएंगे, क्योंकि हम बनिए हैं तो 75 करोड़, हर चीज़ की प्रत्येक हम ढंग से करेंगे, बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। हमारे अपने अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खुद एक्सीएम रहे हैं सीपी गवर्नमेंट जी में, हमारे कायर साहब सीपी में दिल्ली में रहे हैं, सारा ठीक रहे हैं, अविनाश जी हमारा सारा इलेक्ट्रिकल प्लान ठीक रहे हैं, सतीश गुप्ता जी खुद बड़े सीपी गवर्नमेंट जी के हमारे ठेकेदार हैं, एसपी द्वारा भी पूरे एलसीडी को खड़े कर चुके हैं, जहाँ सारी एक्टिविटी की जाने में शुरुआत को ही हमारे लगभग हर जिले में सहयोग करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, हमारे अध्यक्षी हमें अपना सबको साथ लेके चलते हैं, पुराने अध्यक्ष जी उनका गोविंद जी की आज हमें स्मरण आता है, जो हमारे बीच से लोग गमन हो गया, इससे पहले रुक्षलाल अग्रवाल जी को हम आज भी याद करते हैं, उनसे कांग्रेस जनशक्ति से उन्होंने बहुत मेहनत की, पहला मांगेराम अग्रवाल जी 90+ होकर हमारे मार्गदर्शन करते हैं, सूर्य राशि की भाषी देव जी हैं, श्रीकृष्ण जी हैं, इन सबके सहयोग से ये जिंदगी बनी, तो एक दिन में नहीं बनते, 22 साल की मेहनत लग चुकी, और अगला फिर एक तनाव हम नहीं सीखते, खाली बैठना नहीं चाहिए, स्टेटिक कभी कोई आदमी रह नहीं सकता, एक स्थिर रह के आदमी अगर नहीं सकता है उसके अंदर दुर्गंध आता है, चलता रहे तो चलता रहे, व्यक्ति भी जहाँ बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, संस्थाओं का भी यही, जो संस्था अपने आप को स्थिर कर लेगी वो पीछे हटना शुरू कर देगी, स्थिर नहीं रह सकता, इसीलिए हम सब ने विचार करके लगभग 200 करोड़ रुपए की नई परिकल्पना की है इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे महाराजा यूनिवर्सिटी में, नर्सिंग कॉलेज शुरू करेंगे, पैरा मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे, लॉजिस्टिक में बहुत स्कोप है, काम करते हमारे अजय सिंगल जी ने जो लॉजिस्टिक का बड़ा काम है, लॉजिस्टिक का नया कोर्ट जिसकी जॉब करने की होगी 25,000 रुपये के 1 साल के बाद 3 साल के कोर्स, और 50,000 से लेकर ऊपर लिमिट के लिए उसका कोर्स डिजाइन किया है, होम लॉजिस्टिक ये काम क्यों कर रहे हैं, इस देश के अंदर अभी भी रोजगार मिले, नौकरियों और रोजगार में अंतर है, इस देश के कुछ पुराने टाइप के पॉलिटिशियन, पुराने टाइप के पत्रकार आज भी नौकरी कर रहे, सरकारी नौकरी है वो लिमिटेड रहे और कम हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा वैसे वैसे उस टाइप की नौकरियाँ घटेगी, तो भाई यदि आज आप 5G पे जा रहे हैं, आप UPI पे जा रहे हैं, भीम पे जा रहे हैं, बैंक के अंदर करेगा 100 लोग होते थे अपने साथ में नहीं जा रहे हैं, तो नए रोजगार के अवसर तो बहुत स्टार्टअप है, हमारे अपने बच्चे भी यहाँ से हमारे यहाँ से करके 50-60 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 1 करोड़+ पे पैकेज पे गए उसकी हमें खुशी, मुझे ज़्यादा खुशी उसके लिए 2 लाख जो मेहनत स्वयं कमाए अपना काम करके कमाए, क्योंकि वो 10-20 लोगों को रोजगार है, इसी ढंग से लॉ डिपार्टमेंट से 2 साल में हमारे जुडिशियल के अंदर
प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जाएंगे मुझे निश्चित भविष्य। आज हमारा पहला बैच होता था और पहले बैच को भी इतना बढ़िया एक्सपोजर हमें दिया है। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस उनको मिल चुके हैं, अगले चीफ जस्टिस मिल चुके हैं, उनसे अगले जो बनने से परेशान हैं वो मिल चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सभी जजेस से मुलाकात होंगी, तो अच्छी कॉन्फिडेंस है ये बन सकते हैं। आज हमारे यहाँ जो जितनी फैकल्टी है वो बेशक आज भी वो पैकेज से लेके तो जिनके बच्चों से बहुत पीछे होंगे, गुरु हमेशा पीछे रहता है, गुरु को वो शिष्य आज मेरे और मुझको बढ़िया कर देगा फैल छू, तो उस गुरु को लगता है कि उस दिन पर आ गए। मैंने भी जीवन में टीचर बनने के लिए पढ़ाई भी नहीं जाता करने के लिए तो हमारे टाइम में बच्ची जाती है, तो टीचर बनने की अभिलाषा की भगवान ने इनडायरेक्टली पूरी कर दी। आज लोगों के माध्यम से आज हम 10,000 विद्यार्थियों को LKG से लेकर PhD तक हमारे से बढ़ते बच्चे बिहार की जुडिशरी में लग चुके हैं। आज BJP रैंक के लोग हमारे स्टूडेंट हैं हिमाचल का, उनकी भी जो अभी पंजाब में सर्वे कर हमारे स्कूल में की है, ये सब हमारे कर्म की अनुभूति होती है। अपने विद्यार्थियों को देखकर, अपनी फैकल्टी को देखकर, हमारे यहाँ जो फैकल्टी थी वो आज 3 जगह 20 लगती थी अपनी मंजिल की, हमारे यहाँ अभी मैनेजमेंट के थे वो अरविंद कॉलेज का पंजाब का नंबर 1 कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल होते थे। इसके सबकी ग्रोथ को देखकर जो प्रसन्न होते हैं वो केवल डिविजन होते हैं, एल्डर्स होते हैं, और हमारे ये सब इनके माध्यम से ये सब काम हो रहे थे। इनको यही खुशी में चल रही पंजाब में क्या ठहरे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चे नौकरी में जाए, ब्रिगेडियर कट्टर के माध्यम से हमें प्लस हमारे बच्चे नौकरी को और फिर चुके हैं। आज जो है फुल ड्रेस में तो देखिए हमें लगता है किसी तरीके से ये रखते हैं, आप इसी ढंग से फैकल्टी के लोग हैं सब कोशिश कर रहे हैं, उसका अवसर बन गए हमारे नीच में भी नीच में भी डिपार्टमेंट में जो दूसरे हैं ये भी सब इसी ढंग से अवसर बनते हैं। NCC में जैसे काम होते हैं आपको देख कर हमें अपना बचपन अपनी जवानी याद आती है, हमें NCC में थे तो कंपल्सरी होती थी स्वागत करते तो कंपल्सरी ले सकती थे। आज देश के लिए जीने वाले लोग आप हैं, देश के लिए मरने वालों के लिए तुम्हारे 20 लाख के जवान हैं, उनके लिए भरोसा होना चाहिए कि हमारे पीछे 120 करोड़ लोग खड़े, कोई जवान कोई शहीद हो तो उसके परिवार वालों को लगना चाहिए कि हमारा मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए महाराजा रमन यूनिवर्सिटी हिमाचल में जिसका शहीद का बेटा हो उससे 20 मिले, सर्विंग जवान से 20% किसी छूट देते हैं हिमाचल में, तो हमारे लिए अध्यापक जवान के सब रास्ते में हिमाचल में हमने टीचर प्रोफेसर के लिए भी बच्चों के लिए 20% छूट दी। इसलिए ये सब काम हम करता रहे, सब मिलजुल कर करता रहे, आप सब लोगों के सहयोग से करता रहे, देश के बलिदान हाथ जिसमें चाहे वीर सावरकर हूँ, राणा भास्कर राय हूँ, हूँ मालवीय हूँ, अरविंद घोष के नेता अरविंद जी है, अर्जुन चंद्र चतुर्थी हूँ, 14 साल 18 साल के बच्चे 3 भाई काला पानी रहे हैं, 3 भाई फांसी से पुणे तक पुणे हूँ, नाम पूछे तो शहर में क्या रहा बता सकते हैं, 3 भाई महाराष्ट्र के तीर्थ देवान, 3 भाइयों को फांसी की सजा मिली, कोई बता सकते हो हाथ खड़ा कर नहीं बता सकते, जो भी आपको बताया नहीं गया, आपको पढ़ाया नहीं गया। 75 साल के अंदर ये देश के अंदर चीज़ें अच्छी पढ़ाई ही नहीं, एक ना खुलाजा ने राणा रेड्डी का नाम सबने सुना है, दूसरे राणा रेड्डी थे जिन्होंने चीफ जस्टिस पे कुंभ हाल किया, उन्होंने कलपटे को जहाज निवासी उन्हें जिसकी विटनेस है कि भारत में राइट ब्रदर से पहले हमें होने वाला जहाज मंत्री बना, पढ़ते थे 3 भाई फांसी होने के वीर सावरकर के 3 भाई लगातार जीवन 12 लाख तक आएगी, तो पंजाब के इसी व्यक्ति भी कह रहा है शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, उनकी प्रेरणा से मिलकर आजाद हो गया, एक व्यक्ति ने लाठी उठाई थी और कहा था एक लाठी
मेरी योग्य पार्टी की मदन मोहन मालवीय ने चरम क्रांति ब्राह्मण से लेकर बड़े पत्रकार बड़े शिक्षाविद और बनारस यूनिवर्सिटी बनाकर एग्रीकल्चर साइंस से लेकर मेडिकल साइंस क्योंकि सारी चीज़ें 1917 में प्रारंभ की देश के लिए सब चीज़ें आवश्यक है। इसलिए इनका पूरा पूरा अध्ययन करें, अपना अध्ययन बनाएँ, अध्यापकता अध्ययन अभिभावकों को अध्यापक इन सब चीज़ों को रोजाना कोई एक चीज़ बतानी चाहिए। पढ़ाते पढ़ाते प्रयास में भी क्षमता भी है, थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। आज भी हमको भी मिली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ आपको जोड़ा है। दो साल से कोरोना काल में कुछ भी तेजी से उन्नति लागू नहीं हो तभी तो है। हमें यदि नंबर वन होना है तो हर चीज़ में नंबर वन होने के लिए एजुकेशन सबसे जरूरी है। इसलिए मेडिकल साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस को नीता ने देखा हो, कोई ऑन्कोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, कोई कैंसर ब्रेस्ट कैंसर पर कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, वो टीचर लाइन है। हमारे जो डिजिटल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये डिवाइस इंटेलिजेंस जो भी आप नई चीज़ें हैं तो सारी मेडिकल साइंस को उसको कोर देख रहे हैं। देश की हिम्मत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना मैसूर के महाराजा टाटा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर की। उसके अंदर मेडिकल साइंस की हिसाब से पढ़ाई कर ली और 500 करोड़ की डोनेशन वो बंधुओं ने दी। एक उसमें बंगाली दोनों बात में 500 करोड़ रुपये सिमिलर डोनेशन दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में मेडिकल साइंस की पूरी पढ़ाई शुरू कर दी है। प्लस होलिस्टिक वे में काम करना, बाबा रामदेव अकेला NGVC पढ़ाई अगले साल शुरू कर रहा है, इंडियन एजुकेशन बोर्ड बना दिए वैदिक के नाम से और आयुर्वेद होम्योपैथिक नेचर को सबको जोड़ कर ठीक कैसे हो गए थे जो सारा काम एक जगह हो इतनी बड़ी कल्पना को साकार हो। इसलिए हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को जगाएं जो हम नहीं कर पाए वो आने वाले जनरेशन से बनाएं। आपको स्वदाता मिला देश के मोस्ट प्रीमियम स्कूल आपको मिले 90% प्लस के बच्चे 70% नहीं हमारे यहाँ से उनको 90% रखना क्यों नहीं आता जो पास हो जाए प्लेसमेंट मिल जाए हमारा कोई योगदान नहीं। हमारा योगदान जब है जब वो अच्छे वैज्ञानिक बने अच्छे साइंटिस्ट बने अच्छे देश नागरिक बने जो देश में रहेंगे विदेश में रहेंगे जहाँ भी रहें भारत के तमिल का ध्यान रखें भारतीयता का ध्यान रखें अपने संस्कारों को जीवित रखें और आध्यात्मिकता को धर्म न मानते हुए स्पिरिचुअलिज्म में जाएं। विवेकानंद जी के शब्दों में ही जाएं कि खूब खेलो मस्ती करो फुटबॉल खेलो। 150 साल में आज़ाद हो जाए तो उन्होंने कहा था 1857 में अभी प्रूव लाइक हम अपने देश को उन सपनों का भारत आना है जो नरेंद्र विवेकानंद ने देखे थे। सौभाग्य से आज नरेंद्र हमें मिला था जो नरेंद्र उसी नरेंद्र के काफ़ी चलते हुए सन्यास में भी गया था काफ़ी आया हुआ है भगवान उसे करा रहा है। आपको हमें तो केवल उसके पीछे खड़े होकर शाबाशी देनी है अच्छी चीज़ों को अच्छा कहना कमी है तो उनको पॉइंट आउट करना है ग्रामीणता से उनके जो है उसको बताते रहें देश को आगे अमृति के मार्ग पर ले जाते हुए 2047 में सामने वाले लोगों को लेकिन आप खड़े हैं ये सब तीन किलो फोन चले तो देखिए 25 साल बाद आप खड़े हैं आज 20-25 वो सब होने वाले ही मान्य तो आप तो देखेंगे वो कार्यक्रम जिसके 100 साल में पूरे होंगे तो हम होंगे नंबर वन हर चीज़ में हमने नंबर वन विश्व में शांति स्थापित मैक्सिको का राष्ट्रपति ऐसे ही कह रहे तीन लोगों के ऊपर सारी पढ़ाई की व्यवस्था जिसको फोटो व्यवसायी कहे दूसरा यूएनओ को जो बन सकती है तीसरा नरेंद्र मोदी विश्व को कुटुम मानने वाले सबका भला चाहने वाले चराचर की प्रगति चाहने वाले ब्रह्मांड की
कल्पना करते ही सबका ध्यान रखने वाले हम केवल हम अपने ऊपर गर्व करें, गौरव करें, स्वाभिमान होते हुए देश को आगे ले करें। इस अनुरोध के साथ मेरे सभी तस्वीर अपना टीम के समय छोड़ के आए हैं हमारे सीनियर मोस्ट हमारे सत्यनारायण गुप्ता हैं, लेकिन कई से 80 के आसपास हमारे सुरेंद्र पाल जी गुप्ता हैं, हमारे संरक्षक हैं, और दिलीप जी के ये 70 के आसपास वाले हैं, जो छोटे भाई जी भी आए, दिनेश जी भी आए, जो मुरादा हुआ लोग ये बैठे तो जो नियमित मिलते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, समाज को साथ लेके चलेंगे। और सरकार जो जो दायित्व हमें देती है, अभी हमें 10 गांव दिए हैं, उनमें भारत के 10 गांव दिल्ली को दिए, हम 10 के 10 गांव से इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे। और आज ये राष्ट्र ध्वज हर विद्यार्थी तक पहुँचेंगे हमारी कोशिश की, और फैकल्टी के लोग कल लेके गए होंगे, आज लेके जाए और शान से इसको फहराएँ, इसके लिए जीना सीखें, और आवश्यकता होगी इसके लिए मानेंगे तो हिंदू में मरना नहीं है, नया जीवन प्राप्त करना है। गीता में भगवान ने एक ही बात कही थी, आत्मा अजर अमर है, शरीर बदलना ही है, जो पुराना कपड़ा होता है वैसे बदलना है। इसलिए हम सब चीज़ों का ध्यान करते हुए सफाई से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ध्यान रखेंगे, अपना पूरा दायित्व निभाएंगे, 100% देंगे जो हमारी क्षमता। सब सहमत हैं कि जरा एक बार संकल्प लें कि अब हम भारत के स्वर्णिम काल की ओर बढ़ेंगे शताब्दी वर्ष में, और इस देश को जो कमियां हैं उन सबको दूर करने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आने, आपने हमें मिलकर इन कमियों को दूर करना है। हमें भगवान ने बहुत पवित्र कार्य शिक्षा के इस मिशन में लगाया है, इसमें हम सफल हों, भगवान हमें अपना आशीर्वाद दें, महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिले, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिले, लक्ष्मी पुत्रों को स्वस्थ रखे कर दें, अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशन में अपना ध्यान देते रहें, और आपके माध्यम से हम सब मेहनत करने के कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।